फार्मेसी का सबसे अंडररेटेड कोई अगर सेक्टर है तो दैट इज न्यूक्लियर फार्मास्यूटिकल सेक्टर. करंटली न्यूक्लियर फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज ग्रोविंग एट द $10 बिलियन एंड ऑल्सो दैट इज ग्रोविंग एट द रेट ऑफ 12%. दैट मीन्स ज्यादातर फार्मेसी के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता नहीं है, तो इसको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है. आने वाले समय में न्यूक्लियर फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज गोइंग टू गिव यू द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक इन प्रोडक्शन, R&D एंड ऑल्सो इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन एज वेल. करंटली अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर यूज मेनली फॉर द डायग्नोस्टिक एंड द ऑनकोलॉजी पर्पजेस, बट देर आर वेरियस रिसर्च आर गोइंग ऑन एंड दे आर फाइंडिंग आउट द न्यू एप्लीकेशंस इन द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स एज वेल. करंटली अगर देखा जाए तो मार्केट का डोमिनेशन इज इन USA एंड एशिया पैसिफिक इज ऑल्सो ग्रोविंग. तो दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन US, दे मस्ट हैव टू थिंक अबाउट द न्यूक्लियर फार्मास्यूटिकल एज ए ऑल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन.